पाक कलाम में से रोमियो उसका तीसरा बाब। बस यहूदियों को क्या फोकियत है और खतने से क्या फ़ायदा, हर तरह से बहुत खास करें या कि खुदा का कलाम उनके सपोर्ट हो, अगर बाज बेफैल बेवफा निकलें तो क्या हुआ, क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बदल कर सकती है, हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा, चनाचा लिखा है कि तो अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदम में फतह पाए। अगर हमारी नाराज़गी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है तो क्या कहें, क्या ये कि खुदा बेइंसाफ है जो गज़ब नाज़िल करता है। मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ, हरगिज़ नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा। अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा जाहिर होती तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है, और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो। चनाचा हम पर यह तहमत लगाई दी जाती है और बाज़ कहते हैं कि इनका यही मुकूल है, मगर उसे ओसियों का मुजरिम ठहराना इंसाफ है। बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फैसलियत रखते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर बशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मुतहत हैं। चिनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के लिए नकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, इनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और करवाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़वार हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वह सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे ही कहती है जो शरीयत के मुताबिक है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमल से कोई बेशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब